का संस्कार की राम विलास की रात के अर्थ आदरणीय विलास पठान जी के नेतृत्व में बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हमारे पार्टी का लीडर है उसको सम्मानित करने के लिए बिहारियों के उत्थान के लिए बिहार के गौरव को बढ़ाने के लिए आज पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की आदरणीय विलास पठान जी का जो बिहार के लिए शुद्ध है उसको सबने भूल करने में अपना यहां योगदान देने का सबने संकल्प किया है। बाकी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। आप लोगों ने देखा कि विगत लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में जिस तरीके से आज लोकसभा की सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ी और 500 सीटों पर 100% हमने जीत हासिल की है उसी लक्ष्य के साथ बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव में पार्टी उतरेगी और सभी हमारे समाज के जिला अध्यक्ष और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से हम लोग विधानसभा के प्रत्याशियों का चयन करेंगे और एक बात पक्ष ने जोर दिया है कि इस बार पार्टी के पदाधिकारियों को भी हम लोग अपने पार्टी से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और एनडीए के गठबंधन में हम पार्टी के इस चुनाव में जो जीतते नहीं लेकिन उसके लाल सीटों पर हमारे सभी कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं ताकि जो एनडीए के प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ेंगे उनके भी जीत में लोग हमारे जरूरी कार्यकर्ता पदाधिकारी और संसदीय रूप में जो हमारे साथी है उनकी हम भूमिका रहे तैयारी तो हमारे 240 सीटों पर मेरे सामने रखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये सूत्र है एनडीए के सभी उम्मीदवार को जिताने हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए हमारे संगठन की अहम भूमिका होनी चाहिए। तैयारी तो 243 की है लेकिन गठबंधन में लोग सीधे हमारे पास आए ही उस पर लोकसभा के नाते हम उन 100% जीतने का काम करेंगे। इसी क्रम में हमने जो समीक्षा बैठक बुलाई है हमारे सभी संसदीय बोर्ड की जिला और 27 चुनाव आया है पार्टी की तरफ से कि पार्टी के जो हमारे सिपाही हैं जो वर्कर हैं उनको भी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ाए और इस प्रस्ताव को हम लोग संसदीय बोर्ड के माध्यम से और संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय राज्यवर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय जिला पटवार जी हम लोग अवगत कराएंगे और इसी तौर पर निश्चित रूप से पार्टी इस बार अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाएंगे। निश्चित तौर से पार्टी ने और पार्टी के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष पदाधिकारी का यह सुझाव है और आप सब मैं बता दूं पार्टी का जो सुझाव लोकसभा के चुनाव में भी पार्टी ने अपने और आप देख सकते हैं राजेश वाला चुनाव और भरे हैं पार्टी के सम्मानित जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वो भारतीय जनता पार्टी के चलाते चलाते और व्यक्तिगत फैसलों में हमेशा उनकी भूमिका रही वो वैसे में पार्टी के अधिकांश बिना देने हमारी पहले से सांसद रहे हैं तो सामरिक नौकरी को लेकर आप लोगों का प्रश्न जो खड़ा होता है तो विशेष परिस्थिति में जातिगत समीकरण को साधने के लिए और पार्टी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आप सबों को जानकारी होना चाहिए कि सामरिक नौकरी स्वयं रही लेकिन उनके उनकी जो शादी हुई है उनके जो पति है वो हमारे पार्टी के पुराने पदाधिकारी हैं पार्टी के काम कर रहे थे और चूंकि वो सुरक्षित सीट था और सुरक्षित सीट पर अपने जातीय समीकरण का भी साधने के लिए और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा निर्णय लिया। पार्टी कैसा कोई
बिहार ऐसी परिस्थिति अब विधानसभा में न है, इसके लिए समीक्षा बैठक बुलाया गया है कि हम पहले से ही 24 सीटों पर जारी रखें ताकि हमारे पार्टी के ही पदाधिकारी उस सीट पर चुनाव।